नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले मिर्च का ठेसा, यानी सबको बहुत पसंद आता है खाने में, बहुत ही लाजवाब लगता है दोस्तों। पर ये आपको कहाँ घूमने गए, यानी कि 8 दिन या 1 हफ्ते की हमारी टूर होती है तो आप इसको लेके जा सकते हो दोस्तों, मिर्च का ठेसा। और बनाना बहुत ही आसान है और कभी हमारे मुंह में स्वाद नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है क्या खाया जाए क्या नहीं, तो आप इसको इजीली रोटी के साथ, भाकरी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हो। और चलो फिर ज्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं मिर्च का ठेसा। यहाँ पर हमने कागड़ा मिर्ची ली दोस्तों, ये तीखी वाली थोड़ी यानी थोड़ी भी होती नहीं, ऐसी लंबी मिर्च होती है ऐसी। अभी इसके जो डेट है यानी कि गंठन है निकाल लेना है हम इसी तरह से, और इसको ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े करना हाथों से। अभी यहाँ पर मैंने सारी मिर्च कट कर ली है देखो इसी तरह से, तो इसको हम लोग तवे पे डालेंगे। और यहाँ पे मैंने तवा रख लिया दोस्तों, अच्छी तरह से इसको गर्म हो लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे मिर्ची और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे सेकना है जब तक एकदम चटाके नहीं बैठ जाते, यानी मिर्च को ऐसे चटकन होना चाहिए। 5 मिनट खाली इसको अच्छे से भून लेना है हमें। अभी यहाँ पे 5 मिनट हो गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी मिर्च फैला दी है, इसको ऐसे दबाते जाना है, यानी मिर्ची हमारी अच्छी तरह से तड़तड़ आवाज देख रहे हो आप। ये मिर्ची आपकी अच्छी तरह से भून के होगी ना दोस्तों, तो ये मिर्ची का जो ठेचा बोलते हैं हम लोग या खरडा, तो बहुत यानी बहुत खाने में एकदम स्वादिष्ट लगता है। अभी आप देख रहे हो नॉर्मल हमारी मिर्ची अच्छी से भून गई, पर आधी भुनी दोस्तों, मैंने ज्यादा नहीं भुनी। अभी इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, ऑयल डालेंगे 1 चम्मच जितना। इससे क्या होगा, मिर्ची हमारी सॉफ्ट भी हो जाएगी और खाने में टेस्ट भी आएगी। 1 चम्मच ऑयल डाल देना है। अभी इसको हमें ऐसे ढक लेना है, यानी मिर्च हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें फास्ट ही चाहिए, स्लो नहीं चाहिए, जो भी हमारी मिर्च बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और जितना भी ये मिर्ची का जो होता है पकने का वो हो जाता है। तो हमें इसको 2 मिनट खाली ढकना है, ज़्यादा नहीं ढकना, सिर्फ 2 मिनट। हमें 2 मिनट हो गया, देखो कितना धुआं आ गया, इससे मिर्ची हमारी पक गई है। अभी यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें धीमी कर देनी है और यहाँ पे तुरंत यहाँ पे लहसुन डाल देना है, 10 या 12 कलियाँ लहसुन डाल देनी है। तीखापन आपके हिसाब से कम या ज़्यादा लहसुन कर सकते हो दोस्तों। इसको भी साथ में चला लेते और गैस अभी बंद कर लेना है, इसको भी सेम रख देंगे, 2 मिनट के लिए से रखना है। अभी यहाँ पर मैंने वही तवा ले लिया है, थोड़ा साफ कर लिया है दोस्तों टिश्यू पेपर से। अभी यहाँ पे आधा कप हमें मूंगफली लेनी है और मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक भूनना है कि मूंगफली में जो क्रिस्पीपन आता है खस्ता वो आना चाहिए, तो मूंगफली को अच्छी तरह से हम लोग भून लेते हैं। अभी यहाँ पर मूंगफली हमारी अच्छी तरह से टच टच हो गई, इससे समझ में आता है मूंगफली के छिलके भी निकल जाएंगे और हमारी मूंगफली अच्छी खस्ती भी बनेगी, खाने में टेस्ट बहुत बढ़िया आती है दोस्तों। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसके छिलके निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे मूंगफली के मैंने छिलके निकाले दोस्तों। आपको लगा छिलके कहाँ निकाले, छिलके तो बाकी आधे है ना, तो हाँ दोस्तों मैं आधे छिलके बचा के रख रही हूँ, क्योंकि जो खाने में टेस्ट बहुत बढ़िया आती है इसके छिलके की, तो आपको नहीं पसंद होगा तो आप पूरे भी छिलके निकाल सकते हो मूंगफली के, पर हम बचा के रखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने जो लिया था मिर्च और लहसुन, इसके साथ ही मिक्स कर लेना है, हमें दोनों साथ मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें डालना है 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेना है, जीरा हमें भूनना नहीं ऐसे ही डालना है कच्चा ही। और इसके साथ हमें डालना है स्वादुसर नमक, स्वादुसर डालना है, और क्योंकि मिर्च तीखी नहीं है दोस्तों, खाली लहसुन तीखा होता है। अभी इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने प्लेट में से निकाल के बॉल में डाल दिया है दोस्तों, इसको ऐसे से चला लेना है, यानी नमक सारी जगह लग जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने डालना है धनिया, इसके साथ ही धनिया डाल दें, धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, जो टेस्ट होती है ना खरेडे में बहुत अच्छा लगता है। इसको हमें ऐसे चला लेना है दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से मैंने चला लिया हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने कुट्टन ले ली हुई है, जैसे सबके घर में कुट्टन होती है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आपको लगा कुट्टन क्यों कूटना है, हमने तो मिक्सर में निकाल सकते, पर मिक्सर में जो आप निकालोगे ना टेस्ट बढ़िया आएगी नहीं, तो प्लीज़ आपने मिक्सी में निकालना है, इसे भी कूट लेना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी डाल देते थोड़ा थोड़ा करके, अभी हम इसको अच्छी तरह से कूट लेना है, एकदम दरदरा, यहाँ पे पानी वगैरह कुछ डालना नहीं, इसी तरह से हमें इसको कूट लेना है कि ऑलरेडी हमारी मिर्ची सॉफ्ट हो जाती है और लहसुन में भी थोड़ा हल्का मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो ये हम इसे कूट लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कूट लिया, देखो मैं आपको लेके बताऊंगी। इसी तरह से हमें ठेचा चाहिए एकदम परफेक्टली, जैसा मुझे लग रहा है वैसा एकदम परफेक्टली हमने कूट लिया है। तो हाँ दोस्तों, इसको मिक्सर में निकालना नहीं है हमें, सिर्फ ऐसे कूट लेना है। अभी आगे की प्रोसेस करके इसको कैसे बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने वही तवा लिया है दोस्तों, तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल डालना है, क्योंकि ऑयल में इसको हम लोग शेलो फ्राई करने वाले हैं। ऑयल में अच्छी तरह से हम लोग फ्राई करेंगे तो ये तब तक हमारा 2 हफ्ता अच्छी तरह से मसाला रहेगा, तो ऑयल को और अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा भी ठंडा ऑयल हमें चाहिए नहीं, एकदम कड़क ऑयल गर्म करना। अभी जो भी मैंने मसाले लिया था वो डाल देना है, देखो इसी तरह से, इससे हमारा मसाला यानी ठेसा बहुत अच्छा होता है और क्रिस्पी भी लगता है खाने में और खिलखिला भी लगता है। तो अभी इसको ऐसे हम लोग सारा मसाला इसमें डाल देते हैं, यानी कि ठेसा आ रहा है ना दोस्तों मुँह में पानी, बहुत ईजिली बन जाता है दोस्तों। और हाँ, एक बात तो आपको बोलना चाहूँगी मैं, आप इधर घूमने गए ना
तो आप ये लेके जा सकते हो दोस्तों। और बस रोटी कभी कुछ मिला तो खा ले गया, कभी भी हमारा मुँह का स्वाद नहीं रहता, कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग इतना अच्छा अच्छा खाते तो हमको क्या रहता है यार मुँह का स्वाद आ ही नहीं रहता। तो ये ठेचा खा लेना दोस्तों, बस आपका मुँह का स्वाद 101% बोलिए एकदम दुगना हो जाएगा। तो अभी इसको 1 मिनट या 2 मिनट ऐसे चला लेते हैं ऑयल में। हाँ दोस्तों, इसको जब तक चलाना है जब तक ही हमारा ठेचा यानी एकदम खिलखिला नहीं बनता। अभी भी देख रहे हो अभी थोड़ा चिकट है, यानी कि जैसे हमें चाहिए वैसे ये हुआ नहीं है रेडी। तो इसको और 2 मिनट रखेंगे और गैस की फ्लेम में थोड़ी मीडियम आंच पे इसको लो टू फ्लेम पे ही करते जाना है और ऐसे धीरे बीच बीच में इसको चलाते जाना है। और जब तक हमें इसको चलाना खिलखिलाने बन जाता है, यानी हमारे मसाले यानी ये ठेचा अच्छी तरह से पक जाना चाहिए यानी कुक होना चाहिए। तो इसको और 2 मिनट ऐसे हम लोग तवे पे रख देंगे। अभी हमारा ठेचा हो गया रेडी यानी कि खरड़ा। इसको दिखाएगी मैं आपको, देखो कलर एकदम परफेक्ट, इससे समझ में आता है हमारा खरड़ा परफेक्ट कुक हो गया है इसी तरह से। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया झटपट मिर्च का ठेचा यानी कि चटनी। कभी भी हम बाहर घूमने गए कहाँ भी तो आप ये लेके जा सकते हो, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता अच्छी तरह से स्टोर करके लेके जा सकते हो, थोड़ा भी खराब होगा नहीं। फिर हम लेके भी बताएंगे, कभी भी हमारा मुँह का स्वाद दुगना नहीं होता यानी खराब हो जाए तो आप इस मिर्च का ठेचा भाकरी या रोटी के साथ भी खा सकते हो इसी तरह से। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।